Hey everyone, hope you all are fine. Welcome back to my channel, the Shiny Girl Ankita Goyal. So, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें तो जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये है मेरे वन ब्रेन स्किन केयर सीरीज का एपिसोड नंबर 6. तो जो लोग पुराने हैं और मेरी वीडियोस देखी हुई हैं तो उन लोगों को पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है वन ब्रेन स्किन केयर करके और मैंने उसके 5 एपिसोड बनाए हुए हैं. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो एपिसोड्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वो वाले एपिसोड्स भी देखना ना भूले. तो आज है मेरे वन ब्रेन स्किन केयर एपिसोड नंबर 6 की ब्रांड बायोडर्मा. तो आप लोगों को बायोडर्मा ब्रांड के बारे में पता होगा, आप लोगों ने पहले भी सुन रखी होगी. तो इसके जो माइसिलर वाटर है मेकअप रिमूवर काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोगों ने यूज़ किया हुआ है. अगर आप लोगों ने नहीं यूज़ किया हुआ है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें. उसमें 2 वेरियंट्स है, एक सीवियम वाला और एक जो है सेंसोबायो S2O. तो अगर आपको जो भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी उन दोनों प्रोडक्ट्स की, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. काफ़ी अच्छे मेकअप रिमूवर, हैवी मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देते हैं और आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करते हैं, हार्श नहीं करेंगे आपकी स्किन में. ये मेरे पास बायोडर्मा ब्रांड के 6 प्रोडक्ट्स या मिनिएचर प्रोडक्ट्स हैं. तो ब्रांड मुझे हर महीने सैम्पल साइज या मिनिएचर्स भेजती रहती है ट्राई आउट करने के लिए. अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी. ये सारे प्रोडक्ट्स आपको नायका पर मिल जाएंगे, मिनिएचर्स नहीं मिलेंगे, आपको फुल साइज लेना पड़ेगा. आई थिंक एक बार 710 पर आया था ऑफर की ये वाले जो मिनिएचर्स है उस पर मिल रहे थे, जो ट्रायल वाला होता है ट्रायल पॉइंट से जो लोग ऑर्डर करते हैं 710 ऐप से. तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर वहाँ पर आपको ये मिल जाए तो. इनका मैं 1 by 1 रिव्यू कर देती हूँ. फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ये बायोडर्मा का मिनिएचर एटोडर्म जेल मिसेंट. तो ये जो जेल फोमिंग क्लेंजर है ये मुझे लगता है परफेक्ट होगा ऑल स्किन टाइप के लिए, बट इस पे क्लेम किया हुआ है कि ड्राई इरिटेटेड और सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे मेरी सेंसिटिव स्किन है इसको मैंने यूज़ किया है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये मेरी स्किन को डीपली क्लेंस कर देता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मुझे लगता है कि आपकी स्किन को रफ कर देगा, ड्राई कर देगा, बट अदरवाइज ये ऑयल और इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से रिमूव करता है, रिड्यूस करता है. परफेक्ट है डेली यूज़ के लिए, आप इसको मॉर्निंग एंड नाइट में यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी जो क्वांटिटी है मेरे पास ये 8 ml है. थिकनेस इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी है इसकी कंसिस्टेंसी, बट ये मुझे ठीक लगा. तो सेकंड जो प्रोडक्ट है तो ये बायोडर्मा का सीवियम पोर रिफाइनर है और ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है. जिनके लार्ज पोर्स है और जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है. आप इसको डेली में मैं नहीं सजेस्ट करूँगी यूज़ करने के लिए, आप इसको अल्टरनेटिव डेज में यूज़ कर सकते हैं. अगर आप मेकअप करते हैं तो आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं. तो ये प्राइमर का काम करेगा, आपके ओपन पोर्स को कम करता है और आपके पोर्स को ब्लर आउट करता है. अभी भी मैंने जो मेकअप किया हुआ है तो यही वाला मैंने पोर रिफाइनर यूज़ किया था. तो ये मेरी स्किन को ब्लर आउट करता है, स्मूथ बनाता है. ओपन पोर्स की जिनको प्रॉब्लम है, लार्ज पोर्स है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है. टेक्सचर दिखा देती हूँ थोड़ा सा लेके. तो ये देखिए इसका ये टेक्सचर है, लाइट वेट है, थिक नहीं है, आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा. जेल कंसिस्टेंसी है इसकी, मुझे लगता है कि ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट होगा, सेंसिटिव स्किन के लिए भी. तो ये देख सकते हैं मेरी स्किन में कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गया है. आपके सीवियम को कंट्रोल करेगा, जैसे कि इस पे है ही ऑलरेडी, इसका नेम ही सीवियम फोर रिफाइनर है. तो थर्ड जो प्रोडक्ट है बायोडर्मा का वो है सीवियम हाइड्रा मॉइस्चराइजर. ये अल्ट्रा मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजर है. तो ये परफेक्ट है एक्ने प्रोन स्किन के लिए और इसकी जो क्वांटिटी है मेरे पास 5 ml. मुझे लगता है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए अच्छा होगा क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो लाइट वेट है, स्टिकी है, थोड़ा ग्रीजी है, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है. मैं इसकी दिखा देती हूँ आपको. तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी है सीवियम हाइड्रा मॉइस्चराइजर की. ये फेस मॉइस्चराइजर है, परफेक्ट है डेली यूज़ के लिए, आप इसको मॉर्निंग एंड नाइट में यूज़ कर सकते हैं. वैसे स्किन में इजीली एब्जॉर्ब होगा, आप इसको मेकअप से पहले भी वियर कर सकते हैं. आपको ये हैवी लग सकता है, जैसे समर में तो आपके स्किन पर ऑयल आ सकता है, ग्रीजी लग सकता है, बट अगर आप कुछ और अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको अप्लाई करते हो आफ्टर क्लेंजर, तो मुझे लगता है परफेक्ट है. बायोडर्मा का ये है एटोडर्म क्रीम, ये फेस क्रीम है. तो ये जो फेस क्रीम है ये अल्ट्रा नरिशिंग फेस क्रीम है और ये नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छी है. इसकी जो कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, काफ़ी थिक है. अगर आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है. मैं आपको एक ऑप्शनल बता रही हूँ कि जो सीवियम हाइड्रा वाला है वो ऑयली और कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा होगा, इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, लाइट वेट, मुझे लगता है हैवी, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली या ड्राई स्किन के लिए लगता है मुझे परफेक्ट होगा. तो ये जो एटोडर्म क्रीम है ये रिपेयर करती है आपकी स्किन को, सूथ करती है, प्रोटेक्ट करती है, और इसकी जो क्वांटिटी
क्वांटिटी है मेरे पास, ये 8 ml। आई थिंक आप इसको फेस एंड बॉडी दोनों पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था ब्रांड की वेबसाइट पर जाकर कि आप इसको फेस एंड बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने इसको फेस पर यूज़ किया था तो ये भी अच्छा है। सारे प्रोडक्ट्स फ्रेगनेंस फ्री हैं, पैराबिन फ्री हैं, तो ये अच्छी बात है प्रोडक्ट्स की। तो इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ टेक्सचर। देखिए एट्रोडम क्रीम का टेक्सचर कुछ ऐसा है, काफ़ी ये थिक है ये और इजीली एब्जॉर्ब थोड़ा नहीं होगा। तो जो प्रोडक्ट है मेरे पास बायोडर्मा का वो है फोटोडर्म SPF 30 सनस्क्रीन। तो ये जो सनस्क्रीन है मैटिफाइंग सनस्क्रीन है और ये कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन के लिए अच्छी है, पैराबिन फ्री है, फ्रेगनेंस फ्री है और इसकी जो क्वांटिटी मेरे पास है 5 ml, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये जो है ना सनस्क्रीन, ये ना ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन पर ही सूट करेगी, ड्राई स्किन के लिए अच्छी नहीं है, परफेक्ट डेली यूज़ के लिए। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप से पहले आप को यूज कर सकते हैं क्योंकि मैटिफाइंग सनस्क्रीन है और ये आपकी स्किन को ग्रीजी और ऑयली नहीं बनाएगा, लाइट वेट है। बट मुझे लगता है थोड़ा ये ना व्हाइट कास्ट छोड़ देता है आपके स्किन में, तो बहुत ज्यादा इसको ना लगाएं। और इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही लाइट वेट तो है, बट इसका जो अप्लाई करते हैं ना तो बहुत ज्यादा जल्दी ये मैट होता है आपकी स्किन में, तो आप इसको जल्दी से आप अपनी स्किन में रब कर ले, मसाज कर ले, अदरवाइज वो व्हाइट कास्ट छोड़ देगा, तो स्किन को प्रोटेक्ट करेगा सन डैमेज से। और ये फ्लूइड सनस्क्रीन है, मैं इसका भी आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए जो फोटोडर्म SPF 30 सनस्क्रीन है कुछ ऐसी लगेगी। ये देखिए ये थोड़ा इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी इसकी थिक है, बट मुझे लगता है अगर सनस्क्रीन जैसे होते नॉर्मली वैसा ही है। बट ये क्रीम वाला सनस्क्रीन नहीं है, जेल वाला है, आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब होगा। लास्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास बायोडर्मा का वो है फोटोडर्म SPF 50 प्लस सनस्क्रीन। और ये मैटिफाइंग सनस्क्रीन नहीं है, ये ना नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होगी, ये भी फ्लूइड सनस्क्रीन है। तो इसके अंदर ना थोड़ा गोल्डन टिंट है ये वाली सनस्क्रीन के अंदर, और ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है। इसकी जो क्वांटिटी मेरे पास है वो 5 ml। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ टेक्सचर थोड़ा सा लेके अपने हैंड पर। तो ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है, इजीली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा और ये आपकी स्किन को थोड़ा ग्रीजी कर सकता है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो समर्स में, विंटर्स के लिए परफेक्ट है मुझे लगता है, तो आप इसको मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे वो मिनिएचर सारे प्रोडक्ट्स जिनका मैं आज रिव्यू करने वाली थी, डेमो की मुझे लगता है जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आप लोगों को हैंड पर सारे प्रोडक्ट्स का टेक्सचर दिखा दिया है। और जो फोमिंग जेल क्लेंजर है उसका भी ऐसे नॉर्मल ब्लू वाला ही है, उसके अंदर कोई ग्रेनुलर नहीं है, तो आप स्किन को हार्श नहीं करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी, पसंद आएगी। और पसंद आती तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।